इंसान दुख देखता है क्योंकि ऊपर वाले ने जो चीजें फन के लिए बना रखी है, जो चीजें मजे के लिए बना रखी है, उसको वो सीरियसली करने लग जाता है। थिंक एंड ग्रो, इस बुक में क्या लिखा हुआ है, बर्निंग डिजायर रखो रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को टॉर्चर करना है। बुक कह रही है कि 500 वेल्दी लोगों के अंदर ये मिला है कि उनके अंदर बर्निंग डिजायर था, ना कि जबरदस्ती उन्होंने रखा था। गरीब जो होता है अपने आप को डिफाइन करता है, मिडिल क्लास जो होता है वो अपने आप को डिफाइन करता है, जिसका मतलब है अपने ही दांतों को चबाने की कोशिश करना, विच इज कॉल्ड मेंटल मैस्टिबेशन। बातों का मजा लेना, कहीं पहुंच नहीं रहे हो, जो मजा अब बचा नहीं है एक्शन लेने में, बातों में मजा ले लिया। थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़कर मैंने ईयरली 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करा है बाय अप्लाइंग ऑल द सीक्रेट्स। और उस वक्त मैंने 1.5 साल पहले धन का संपूर्ण ज्ञान वीडियो रिकॉर्ड करी थी 60 मिनट्स की, और अब मैं आपको और भी क्रिस्पी हाइलाइट्स देने वाला हूँ, ध्यान से सुन लो। पेज नंबर 231 ऑथर क्या कहता है, क्रिएटिव इमेजिनेशन का डायरेक्ट लिंक है फाइनेट माइंड और इनफाइनेट इंटेलिजेंस के बीच। अमीर लोगों ने क्या करा है, इनफाइनेट इंटेलिजेंस को अचीव करा है। क्रिएटिव इमेजिनेशन से मुलाकात जिसकी हो जाती है वो अपने नाम के आगे जीनियस लगा सकता है, बेसिकली उसके सारे चक्र खुल गए। ऑथर नेपोलियन हिल आगे क्या लिखते हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन सबसे बेस्ट फंक्शन करती है, आपकी जो क्रिएटिव इमेजिनेशन है वो सबसे बेस्ट फंक्शन करती है जब इंसान का दिमाग सबसे हाई वाइब्रेट करने वाली फ्रिक्वेंसी में होता है। एक ऑर्डिनरी इंसान से ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो तब उसका दिमाग क्रिएटिव इमेजिनेशन की अवस्था में होता है, यानी वही बात कर पाता है अपने इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से। ये पता करने में, जो आपने सुना ना अभी, ये पता करने में ऑथर को 20 साल लगे, 500 अरबपतियों का इंटरव्यू लेना पड़ा, कंक्लूजन निकालना पड़ा, तब ये निकल कर के आया। बुक के पीछे ये क्या लिखते हैं, इस किताब में इतनी शक्ति है कि आप इसे पढ़कर मोहम्मद अली जैसे पावरफुल इंसान को भी नॉकआउट कर सकते हो, जो कि ऑफकोर्स एक मेटाफर की तरह उन्होंने कहा है। पहले ही चैप्टर में ये बर्निंग डिजायर की बात करते हैं, कई कहानियों से, रियल लाइफ कहानियों से बार बार ये साबित करने की इन्होंने कोशिश करी है कि बर्निंग डिजायर के बिना अब तक कोई अमीर नहीं बना। मरने वाला सांस लेना चाहता है, उसकी कितनी इच्छा है सांस लेने की, जिंदा रहने की, उतनी अच्छा अगर किसी इंसान को अमीर बनने की है तो वो बन जाता है, ये 100 में से एक बात है। फिर सेकंड चैप्टर में आके बात करते हैं फेथ के ऊपर। देखो जाहिर सी बात है, ऑब्सेशन जो होता है, पागलपन जो होता है, वो सिर्फ मजे करने से ही आ सकता है। ऑब्सेशन, मजा कर रहा है भाई, काम एंजॉय कर रहा है, वो पागल हो चुका है, पता ही नहीं उसको क्या कर रहा है, वो कितना काम कर लिया, 12 घंटे हो गए, तभी विश्वास आता है ना यार कि मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पेज नंबर 46 चैप्टर नंबर 2, विश्वास, प्यार और सेक्स, ये 3 सबसे ज्यादा पॉजिटिव और पावरफुल इमोशंस है, पावरफुल इमोशंस मानव जाति के लिए। स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं आगे, स्टीव जॉब्स कहते हैं डू व्हाट यू लव, वो काम करो जिससे प्यार है। प्यार शब्द को होल्ड करना यहाँ पर, प्यार की बात हर कोई करता है, प्यार की बात हर कामयाब इंसान करता है, प्यार में बहुत ताकत है, ये बात ये पूरी बुक बोलती है। जब बात आती है इमोशंस की तो क्यों बात नहीं आएगी सबकॉन्शियस माइंड की, जिसके अंदर इमोशंस होते हैं, सबकॉन्शियस में हैबिट्स होती है, सारी फीलिंग्स होती है, कहाँ है ये हमारे अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में। और जिस फ्रिक्वेंसी की बात आपने सुनी है, जिस वजह से आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन तेज हो जाती है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है इमोशंस से। जैसे आपके इमोशंस हो गए वैसे आपके थॉट्स की फ्रिक्वेंसी होगी, वैसे आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन होगी, वैसे आप अवस्था में होगे। अगले चैप्टर में ऑथर पूरी ताकत लगा करके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को समझाने की ट्राई करते हैं। पेज नंबर 260 पर 7 ऐसे इमोशंस बताए हैं जो आपके दिमाग के लिए डाइट का काम करेंगे, एक हेल्दी डाइट का काम करेंगे। और उसके बाद में वो 7 इमोशंस बताए हैं जो आपके अंदर नहीं होने चाहिए अगर आपको भयंकर वाली क्रिएटिव इमेजिनेशन के अंदर जाना है। और वो 7 इमोशंस जिनसे आपको बचना है वो है डर, लालच, जलन, नफरत, बदला, गुस्सा, जो कि आपके 6th सेंस के दुश्मन है, जो आपका सेंस कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये हो सकता है, जो आपका विश्वास बोलता है। फिर चैप्टर नंबर 2 फेथ, और इस बुक का लास्ट चैप्टर है 6th सेंस के ऊपर, जो सिर्फ 6th सेंस समझाता है। और इस पूरी बात, इस पूरी किताब को ऑथर लाना ही चाहता है 6th सेंस के ऊपर। और इसी 6th सेंस, इसी क्रिएटिव इमेजिनेशन की खोज में स्टीव जॉब्स आए थे नीम करोली बाबा के पास में, ये पता करने कि ऐसा क्या सेंस है जो मैं डेवलप कर सकता हूँ जिसके बाद में मैं एप्पल जैसी कंपनी बना सकता हूँ, ताकि वो अपने काम से प्यार कर सके, अपने काम में वो फन ढूंढ सके कि वो करते करते एक ऐसी कंपनी बना ले जिसकी मार्केट कैप $3.5 trillion हो अभी है एप्पल की, जो कि इंडिया की GDP है पूरी। क्योंकि अब 3rd चैप्टर में बात होती है ऑटो सजेशन की, जो इंसान बार बार डाउट करता है, जो ओवर थिंक करता है, जो अपने आप पे शक करता रहता है मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वो अपने आप को, और ये अपने आप का मतलब है अपने दिमाग को, अच्छी बातें नहीं बोल पाएगा। ऑटो सजेशन का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना कि भाई मैं ये फोड़ने वाला हूँ और ये मैं डिजर्व करता हूँ, तो इसके लिए तैयार हो जा, सबकॉन्शियस को तैयार करना, जो इससे करवाना चाहती हो उसके लिए तैयार करना। पेज नंबर 72, किसी भी तरह का थॉट, किसी भी तरह का विचार, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि आपके दिमाग को पॉजिटिव नेगेटिव समझ नहीं आता है, किसी भी तरह का थॉट
आपके सबकॉन्शियस में नहीं जा सकता बिना ऑटो सजेशन के। जब आप कहते हो कि मैं पावरफुल हूँ, तो ये सजेशन है आप अपने दिमाग को देते हो ताकि आपका दिमाग आगे से वही सोचे जो एक पावरफुल इंसान सोचता है। अब आप सोचते हो मैं तो नहीं कर सकता, तो ये भी सजेशन है जो आप अपने दिमाग को देते हो। समझ गए होगे? क्योंकि अब फिर से पीछे आओ, चैप्टर नंबर 2 फेथ ये कहता है जो मानोगे वही आप पाओगे। जो आप मानोगे आपको मिलता है। जहां आपका फोकस जाता है वहां आपकी एनर्जी जाती है। सोचो आप अमीर बन गए, नहीं हो लेकिन आप सोच रहे हो कि बन गए। आपके दिमाग को पता ही नहीं है कि आप बने हो नहीं बने हो, लेकिन आप सोच रहे हो तो वो मानेगा कि आप बन गए। तो आप वही बातें बोलती हो, वही आप सोचते हो, वही आप एक्शन लेते हो जो एक अमीर इंसान लेता है, करता है या बोलता है। आपने अमीरों वाली फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट करनी स्टार्ट कर दी, आपका ऑरा बदल गया। अब आपके दिमाग में आइडियाज कहाँ से आएंगे? इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से, जो वर्ड मैंने पहले स्टार्टिंग में यूज करा था। चैप्टर 12 द ब्रेन कहता है कि आपका दिमाग ब्रॉडकास्टिंग चैनल है जो यूनिवर्स से कनेक्ट होता है एक रेडियो सिग्नल की तरह, पर वो एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने दिमाग का ढक्कन खोलना होता है। यस, मैं बार बार अपने आपको मानने की बात कर रहा हूँ, बार बार अपने आपको बोलने की बात कर रहा हूँ, जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं। किताब का सबसे क्रिस्पी पार्ट अब आने वाला है, सबसे क्रिस्पी पार्ट, और यहाँ तक हमारी सोच लाने की ऑथर ने पूरी ताकत लगाई है कि ये सोचे इंसान। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है कि एनर्जी को कन्वर्ट करना। एनर्जी बन नहीं सकती, एनर्जी खत्म नहीं हो सकती, एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हो सकती है। और कॉज एंड इफेक्ट क्या कहता है? किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट हो उसका एक कारण होता है, हर इफेक्ट का एक कॉज होता है। ऑथर फिर स्टार्ट होता है, मानव जाति के लिए सेक्स से पावरफुल और कोई डिजायर नहीं है। इस डिजायर में इतनी शक्ति है कि कोई भी अपनी इमेजिनेशन में उस वक्त बहुत तेज हो सकता है। और सही मायने में इस धरती पर पहले इंसान से लेकर अब तक पृथ्वी को पूरा कन्वर्ट कराए सिटीज में इमेजिनेशन में। आगे कहते हैं कि उसका करेज बढ़ जाता है उस वक्त, इस डिजायर के वक्त उसका करेज बढ़ जाता है, हौसला और विल पावर, कुछ करने की शक्ति बढ़ जाती है। इंसान क्या चाहता है भाई? हैप्पीनेस चाहता है, दौलत चाहता है, सेहत चाहता है, परिवार, पसंद का काम करना चाहता है। इन सबसे क्या मिलती है? हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है? कि वो फ्रीडम पाले, आजाद हो जाए वो। और फ्रीडम, अब तक हिस्ट्री ने बार बार यही साबित करा है, फ्रीडम के लिए जरूरी होता है करेज, और वो मिलता है सेक्स की पावर से। आप कहोगे कैसे? क्या कह रहे हैं ऑथर यहाँ पर? नेपोलियन हिल कहते हैं कि नदी के पानी को आप एक वक्त तक होल्ड कर सकते हो, बाद में वो फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फटता है और वो बाहर आता है। सेम ये चीज सेक्स के इमोशन के साथ में अप्लाई होती है। सो बेसिकली चैप्टर का नाम है सेक्स ट्रांसमिटेशन। तो यहाँ सेक्स की एनर्जी को काम में लगाने की बात हो रही है, जिसका मतलब है नो फैप, जिसका मतलब है सीमन रिटेंशन, पॉन एंड मास्टरबेशन का ब्रेक लेना। इसी बात के ऊपर कंप्लीट मैंने वीडियो बना भी रखी है, जहां मैंने बात करी थी कि मोहम्मद अली, स्टीव जॉब्स, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों ने भी इस बात को फॉलो करा है। पेज नंबर 229, इंसान कुछ भी करेगा तो अपने मन की वजह से करेगा, स्टिमुलेशन की वजह से करेगा, जिसको तलब आप कह सकते हो, इमोशंस की वजह से करेगा। और ह्यूमन काइंड के लिए अब तक के 10 मोस्ट पावरफुल इमोशंस मिले हैं जिसका वो रिस्पॉन्स करता है, जिसमें सबसे टॉप पर है 1 डिजायर फॉर सेक्स एक्सप्रेशन, 2 लव, 3 फेम पावर या पैसों का डिजायर, एंड सो ऑन। क्रिएटिव इमेजिनेशन से मुलाकात जिसकी हो जाती है वो अपने नाम के आगे क्या लगा लेता है? क्या बात करी थी? जीनियस लगा सकता है। बेसिकली उसके चक्र खुल गए। क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब होता है कि आप अपने फाइनाइट माइंड से इनफाइनाइट इंटेलिजेंस को अचीव करते हो, और उसका सीक्रेट कहीं ना कहीं ऑथर ने पूरी जान लगा करके साबित करने की कोशिश करी है कि जो इंसान नोफैप करता है या फिर सेक्स की एनर्जी को काम के अंदर लगाता है, ट्रांसम्यूट करता है, वो अचीव कर लेता है। ऑथर बार बार कहता है कि दुनिया बदलने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी धनी लोग हैं, जितने भी अरबपति लोग हैं, उनका इंटरव्यू लिया तो मुझे ये मिला कि ये लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको सो कॉल्ड हंचेस कहते हैं। पेज नंबर 233, कोई भी ग्रेट आर्टिस्ट, राइटर, म्यूजिशियन, पोएट अगर ग्रेट बना है तो वो अपनी अंदर की आवाज को सुनकर बना है, जो आती है उसी क्रिएटिव इमेजिनेशन से, जिसकी इमेजिनेशन कीन हो। उसी के नीचे लिखा है कि अमेरिका का ऑलमोस्ट हर फाइनेंशियल लेवल पे कामयाब इंसान, बहुत धनी इंसान, अरबपति, करोड़पति आदमी, उनके अंदर एक आदत मिलती है। वो आदत है आंख बंद करके कुछ सोच कर फिर डिसीजन लेना। इनसे पूछा गया कि आप क्यों करते हो ऐसा, आप 3 तक आंख बंद करके क्या सोचते हो? तो ये कहते हैं कि हम 3 तक आंख बंद करके अपनी सुपीरियर इंटेलिजेंस पर कुछ ड्रॉ करते हैं। क्या आपके साथ में कभी एक बार हुआ ये? सोचो ये बार बार हो, आपने आंख बंद करी, आप कहीं और चले गए। पेज नंबर 237, इंसान का दिमाग रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलेशन पर। अब तक की सबसे ग्रेटेस्ट और मोस्ट पावरफुल स्टिमुली जो ऑथर ने साबित करी है इस किताब में कामयाब लोगों का एग्जांपल ले लेकर, वह है अर्ज फॉर सेक्स। यहां मैंने अपने स्क्रिप्ट में सिर्फ इस लाइन को रेड फॉन्ट में लिखा है। अर्ज ऑफ सेक्स तो है भाई, व्हेन हार्नेस्ड एंड ट्रांसम्यूटेड, यानी कि उसको कन्वर्ट करा गया हो तो, यानी जिस भी इंसान ने इस एनर्जी को अपने काम में लगा दी उसने फोड़ा है। ये नेपोलियन हिल अपनी बातों में नहीं बोल रहे, इनको ये पता करने में 20 साल लगे हैं। पेज नंबर 237 पर ऑथर ने पूरी लिस्ट दे दी ऐसे कामयाब लोगों की,
जिन्होंने सेक्स की एनर्जी ट्रांसम्यूट करी है, मतलब कन्वर्ट करी है, काम में लगाई है, कहते हैं कि ये लोग हाईली सेक्स्ड नेचर के थे, जिस इमोशन को इन्होंने ट्रांसम्यूट करा। पूरी बुक का अगर मैं आपको कुछ सेकंड में बता दूं अभी कि भाई पूरी किताब कहती क्या है, फिर इंसान इमोशनल होता है और स्टिमुलेट करने वाली, सेटिस्फाई करने वाली चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करता है। मन हो रहा है तो वो करेगा, रिस्पॉन्ड करता है वो हाई इमोशन पर। जितना इमोशन हाई होगा उसका एक्शन उतना ही हाई होता है, यानी कि हाई वाइब्रेशन, और जैसा इमोशन होता है वैसी वाइब्रेशन होती है। और ये इंसान अगर अपने पावरफुल इमोशंस को ट्रांसम्यूट करना सीख ले अपने काम के अंदर, तो उसे अचीव करने के लिए, उस फीलिंग को पाने के लिए इंसान चाहे उतनी मेहनत चाहे वो अचीव कर सकता है। हम कई वीडियोस देखते हैं लेकिन उसके अंदर की बातें सारी जो है हम भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुनो। मैंने पूरी थिंक एंड ग्रो रिच बुक को एक सिंगल पोस्टर में हाइलाइट्स में समझा दी है, जिसे रूम में लगा सकते हो, टेबल के सामने रख सकते हो, ताकि हर चैप्टर रिमाइंडर की तरह काम करे। अमीर बनना है तो 500 अमीरों के सीक्रेट्स आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। या फिर आप ऑर्डर कर सकते हो अफर्मेशन का ये पोस्टर, जो आपके सामने सुबह उठते ही होना चाहिए, या आप ब्रश करने वाली जगह पर लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हैबिट बदलनी है, आपको चैलेंज लेना है, 2024 जो है वो आधा भी नहीं बचा है। अगर 2024 में आपको कुछ अचीव करना है तो आप ये हैबिट ट्रैकर ऑर्डर कर सकते हो कि आज आपने वो काम करा या नहीं करा, आज आपने ये 2 घंटे यहां दिए या नहीं दिए, उसको क्रॉस मार्क कर दो। आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे सारे क्रॉस मार देने हैं, मुझे एक भी दिन मिस नहीं करना है। मैंने डीप ब्रीदिंग की आदत इस तरह से लगाई थी, मैंने बैड हैबिट्स इस तरह से छोड़ी थी। इनफैक्ट अगर मुझे राइटिंग हैबिट भी फिर से डेवलप करनी है या बढ़ानी है तो मैं हैबिट ट्रैकर का यूज करता हूं। इसके अलावा ऐसे ही कई प्रीमियम मोटिवेशनल पोस्टर्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, या आप ऑर्डर कर सकते हो अपने रूम में लगाने के लिए। कैश ऑन डिलीवरी में आप ऑर्डर कर सकते हो। ambition.in वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो प्रोडक्ट की प्राइस काफी ज्यादा कम रखी गई है, लेकिन इसके अलावा अगर आप ये कूपन कोड यूज कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि केवल लिमिटेड प्रोडक्ट्स के लिए है। तो अभी जाओ, नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करो, बाय नाउ, कैश ऑन डिलीवरी है, कोई दिक्कत होती है कस्टमर सपोर्ट टीम से बात कर लो। एंड अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो 7 डेज रिफंड पॉलिसी भी आपको मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।